गाइज, इस वीडियो का एक और पार्ट था जो एकदम सीरियस एक्सप्लेनेशन था, पर मैं फिलहाल उसको नहीं शूट कर पा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी, मेरी एक इंजरी हो गई है। इंजरी के साथ मैं एडिटिंग लेकिन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो जितना वीडियो बनाई है वो आ जाए। ये एकदम लाइट हार्टेड है, मतलब कैरी के हेटर्स भी देखेंगे तो कन्फ्यूज रहेंगे कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। जो कैरी के सच्चे फैंस है वो इस मजाक की असलियत समझेंगे। इस मजाक में हर एक इंडियन यूट्यूबर का थोड़ा थोड़ा दर्द भी है। और अगर बाई चांस ये कैरी देख रहा है तो कैरी ब्रो, प्राउड ऑफ यू यार, वेल डन। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। ये वाली वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज कैरी मनाटी का मैं फैन हूँ, एंड 70 मिलियन व्यूज और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पहुंचने वाली वीडियो, जब वो कोई डिलीट करवा दे, वो डिलीट होने के बाद आदमी जितना टूट जाता है, जो हालत होती है, मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ। एंड उसको ओवरकम करके ये बंदा निकला है, यहाँ तक पहुंचा है। सो ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर कैरी। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये जो आप देखने वाले, जो भी वो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, अगर वो आपको देख के पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा। लेकिन एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ज्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करने का मूड करें, तो सिर्फ ये वाली वीडियो के सब्सक्राइब ना करें, मेरी बाकी के जो रेगुलर व्लॉग्स जो मैं डालता हूं वो जरूर देखें। बिकॉज कई लोगों को पता है कि ये मेरा रेगुलर कंटेंट नहीं है, मेरा रेगुलर कंटेंट फैमिली लाइफस्टाइल ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह है। और कांग्रेट्स टू कैरी, एंजॉय द वीडियो। हेलो, हाँ बच्चन बोल रहा हूँ। अरे YouTube, TikTok ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे भाई, हमारा बिजनेस चलेगा वही सब सही है। हमारा गाना बना है अपने गैरी में, अपना YouTube वाला। बिल्कुल सुनेंगे भाई, क्यों नहीं सुनेंगे, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। पंक्तियों का क्या करना है? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ये सब उनसे नहीं होगा। अरे वो उसको पप्पू को कॉल कर लीजिए, वो बढ़िया करता है। स्टार्ट हो गया। नमस्ते, हम पप्पू पांडे, हम जो हिंदी के जो बोर्ड एग्जाम दिए थे उसी का एक्सपीरियंस यूज करके आपके पास हम आज लेके आएंगे। ये एक कवि हैं, तो उनकी कविता यलगार का विश्लेषण हम आपसे आज आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो हमें आज्ञा और आशीर्वाद और प्यार जो आपके पास जो भी हो दे दीजिए। हम कहाँ भिन्नमैन आदमी ये सब में पढ़ेंगे, चले आते हैं। आ रहे आ रहे, हमें जो ठीक लगेगा हम बताएंगे बोलेंगे। आ रहे आ रहे, अबे आ रहे, आवाज नहीं आ रही इसमें। अरे क्या बात है, खाने के लिए भी लाए हैं तरबूज जो है, हम किस दिन लाएंगे आपके लिए। हमारा जो घर है ना उसके पीछे एक बड़ा दूठो बैल बना हुआ है, वो बैल रोज शहर पे जाता है। एक दिन बैल डांटे डांटे खो गया, तो ढूंढने गए तो आप मानेंगे नहीं हमको कहाँ मिला। तरबूज के खेत में मिला आपको? अरे भाई तरबूज के खेत में नहीं, सब्जी मंडी में। अरे हमारा बड़ा बड़ा दूठो बैल और एक बड़ा बड़ा दूठो तरबूज, तो हम ले आए आपकी भौजाई को खिलाए। और तब से वो क्या कहते हैं, जो यूट्यूब पर भी है, तरबूजों का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए रुक जाइए, हो जाते हम स्टार्ट करते हैं करते हैं। माई सेल्फ आई एम बच्चन पांडे, ऑल द वे फ्रॉम UK, उत्तराखंड। तो कैसे हैं आप लोग? अरे हाँ हम बहुत बढ़िया, तुम बताओ। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनकी भूख भी मैंने ही मिटानी है, लगता है फाइनली कवि कैरी ने माइग्रेंट वर्सेस लॉकडाउन की बात यहाँ पे सुन ही ली है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। यहाँ मेहनत तो एकदम क्लियरली अंडरस्टूड है कि अमित भडाना की जो गाना है मैंने की है मेहनत। बेसिकली कवि कैरी मनाटी लेखक अमित बडाना को यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। कई दशकों से कैरी मनाटी के चैनल पे लग रही हैं स्ट्राइक। एक पल ऐसा भी आया था जब कैरी मनाटी का चैनल हो गया था बंद, 3 स्ट्राइक लग गई थी और यूट्यूब ने कोई मदद नहीं की थी। उसी यूट्यूब ने जिस प्लेटफॉर्म पर इंडिया का मोस्ट सब्सक्राइब क्रिएटर आज खुद कैरी मनाटी। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। ये तो हर यूट्यूबर की दुखती रख पर हाथ रख दिया। इंडिया में तो वैसे ही यूट्यूब मनी से कोई पैसा नहीं, और ऊपर से हमारा कमाया हुआ 45% भी ये ले जाते हैं। सॉरी गलती से थोड़ी सच्चाई निकल गई। बैक टू सरकाज्म। ये सारी इनकी माया, इनका ही काला साया। देवों की माया है और असुरों का काला साया। वीडियो के रॉकेट पूरे देश का दिल दुखाया। अब आपको ये बताने का कष्ट मैं क्यों ही करूं कि असुर इस सिचुएशन में कौन है। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूं, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूं। जिन हाथों ने है मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। देवी और सज्जनों, मेरा तो ये मानना है कि कवि कैरी मनाटी ने ये पंक्तियों को ज्यादा ही अच्छा लिख के उन गिराने वालों की इज्जत ही बढ़ा दी। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते हिले फूल। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल और हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। अर्थात यहाँ से कवि कैरी कहना चाहते हैं कि जो अंग्रेजी में गाली दे रहे हैं वो ठंडे ही पड़ जाते हैं। अरे दोस्तों, फूल वाली फीलिंग तो उसकी है जो हिंदी में दे। फूल से
भरा देख मेरा फूल। वाह कवि कैरी वाह। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है कि फूल मतलब वो हिंदी वाली प्यारी प्यारी गाली, यहाँ मुझे जितना समझ आ रहा है पूल का मतलब हुआ यूट्यूब पर आने वाली कैरी मंटी की वीडियो। फूल से भरा इनका पूल, यानी हिंदी गालियों से भरी इनकी फूल पूल फूल पूल फूल पूल फूल। आपने या फिर आपके माता पिता किसी ना किसी ने, एक परिवार में एक शो हुआ करता था जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जैसे सास भी कभी बहू थी वैसे ही स्कूल भी कभी प्रिंसिपल था। बेसिकली यूट्यूब की दुनिया में अब कैरी मराठी प्रिंसिपल नहीं, पूरा का पूरा एक स्कूल हो गए हैं, द ग्रेट स्कूल ऑफ इंडियन रोस्टिंग। मैं कभी कैरी मराठी की भावना समझ सकता हूँ। मैं भी घर में जब उडो खेलता हूँ तब मेरे परिवार वाले इतना चीटिंग करते हैं, फिर मेरे ऊपर विक्टिम कार्ड डालेंगे जैसे वाइल्ड कार्ड +4+2। आज भी उडो खेलना है, पता नहीं क्या होगा। हाँ इनमें फर्क नहीं, इनका गला भी सही, तभी तो इनकी अपनों से भी बनती नहीं। कभी इन पंक्तियों से सिर्फ 3 शब्द कहना चाहते हैं, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। रीच रीच रीच, इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज। माफ कीजिएगा देवी सचना, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 बातें अप्लाई की जा रही है। हो सकता है कि कभी जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो लॉकडाउन के कारण कहीं दूर फंसे हों, तो कभी की पुकार है कि ये रीच 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 बेचारे चिल्ला रहे हैं और प्लीज 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 भी कह रहे हैं। दोस्तों मुझे ही लगता है मुझे ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है बीट क्या होता है? बीट मतलब होता है चिड़िया की पॉटी और हीट का मतलब है धूप की गर्मी। जैसा कि कवि ने इनडायरेक्टली कहा कि ये जो ठीक ठॉक के बंदे अपना घर भूल गए हैं, उन ठीक ठॉक के बंदों पर ये चिड़िया कह रही है कि मैं इन पे बीट कर दूंगी, और सूरज देवता कह रहे हैं कि मैं इन पर हीट कर दूंगा। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी। दोस्तों आज जिस पैंडेमिक के माहौल में कोरोना वायरस से ग्रस्त होकर हम फंस गए हैं, कवि कैरी मंटी हम सब इंसानों की तरफ से कह रहे हैं कि हम सबको मिलके मिटानी होगी बीमारी। जो मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं वो कृपया करके वो बेमानी भी ना करें। मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राज्यों में जो चल रही काउंट कोरोना वायरस केसेस की जो उदला बदली उड़ला फुडले फडले फडले है भाइयों और बहनों, उसकी भ्रष्टाचारी भी हम सब मिलकर ही मिटा सकते हैं और इससे उभरने की जिम्मेदारी भी हमको ही लेनी पड़ेगी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। शेक्सपियर नाम से एक लेखक है जिन्होंने एक बहुत ही महान कविता लिखी थी जूलियस सीजर्स। उसमें सीजर्स भाई को 36 के 36 खंजरों से उनका अटैक हुआ था उन पर। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी चलानी है। तो दोस्तों आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे कवि कर्री मंटी ने ये जोरदार यलगार अंगार कविता लिखी है, इन सब के बावजूद लास्ट में जाते जाते उन्होंने सबको पुच्छी दी है। बेसिकली उनका संदेश हम सबको यही है कि नफरत मत फैलाओ प्यार फैलाओ। तो माफ कीजिएगा मैं आपको पुच्छी था। बस 4 पंक्तियां आप सबके प्रति समर्पित हैं। बोले पप्पू पांडे, आए हो जो भी बाहर के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब पर, कृपया करके जाएं लौट, मत कर मेरे भाई इस चाइनीज वायरस को और सॉल्ट, क्योंकि यार ये चाइनीज वायरस नहीं है कोरोना, ये है ठीक ठॉक। सो दोस्तों आई रियली रियली होप दैट माई पॉइंट यू गॉट। क्या फाड़ू वाला यार, यलगार हो। एंड 3 2 1 यलगार हो। मैंने इतनी देर से जोकर बनती की, तुमने एक ही बार में अपना पूरा वो कर दिया। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।